मुल्क में बिजली के संगीन बुहरान पर काबू पाने का मिशन। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने वफाकी काबीना के फैसलों से असूली इत्तफाक कर लिया। बाजार मार्केटें रात 8:30 बजे तक बंद करने से मुतल्लिक चारों सूबे एक पेज पर तो आ गए, लेकिन तजारती तंजीमों से मुशावरत के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने 2-2 रोज की मोहलत मांग ली। बुहरान से निपटने के लिए और भी कई इकदाम तजवीज किए गए। एक दिन का जो काम है उसको कम करने की तजवीज है सैटरडे की। हर रोज 20% जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज है। इमरजेंसी में ये सारे इकदाम करने पड़ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, माजी की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों ने संगीन मसाइल पैदा किए। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और अदम इस्तेहकाम जैसे खतरनाक चैलेंजेस दरपेश हैं। सूरत हाल इंतहाई मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि निमटना मुमकिन ही ना हो। मुख्तसर अरसे में मईशत की सिमत दुरुस्त कर दी। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए इसलाहती इकदाम किए हैं। शहबाज शरीफ ने शुरका को अपनी तरजीहात, हिकमत अमली और नए माली साल के बजट से मुतल्लिक एतमाद में भी लिया। माहरीन के मुताबिक तजारती मराकज की जल्द बंदिश से 3,000 मेगावाट की बचत होगी। शॉर्टफॉल आधे से भी कम रह जाएगा और लोड शेडिंग के मारे घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिल सकेगा।